Hello everyone, my name is Salvinder Singh and in today's video we are going to discuss about IELTS result. So ये जो आपके सामने स्क्रीन में रिजल्ट है इसका आई डी नंबर, चलो आई कैन नॉट शो यू द आई डी नंबर. शी इज़ माई फ्रेंड मनप्रीत कौर एंड शी इज़ फ्रॉम बठिंडा. ओके, हर एग्ज़ाम डेट वॉज 1 सितंबर 2021. तो अगर आप सोच रहे हो कि 1 सितंबर को अगर एग्ज़ाम हुआ था तो 6 सितंबर को कैसे रिजल्ट आ गया हो कि 1 सितंबर को कोई एग्ज़ाम नहीं था. ये था कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. ठीक है जी, इसका जो रिज़ल्ट है वो तीसरे दिन आ जाता है. जो मनप्रीत ने एग्ज़ाम दिया था वो दिया था वेंसडे को एंड उसका रिज़ल्ट आ गया था सैटरडे को आफ्टरनून में आ गया था. 1 to 4 जो इनका स्लॉट होता है कंप्यूटर बेस्ड आइल्स का, उसमें इसने दिया था एग्ज़ाम. ओके जी, इसके लिसनिंग के बैंड स्कोर है 8, रीडिंग के 7.5, स्पीकिंग के 6.5 एंड राइटिंग के 7. ओवरऑल बैंड स्कोर है 7.5. जीटी की स्टूडेंट थी. बस एक मेरा रीज़न था इस रिज़ल्ट को शो करने का, वो था स्पीकिंग. अब इन्होंने स्पीकिंग में दी है 6.5. लास्ट टाइम जब मनप्रीत ने एग्ज़ाम दिया था ब्रिटिश काउंसिल में दिया था, उन्होंने स्पीकिंग में दिए थे इनको 8 बैंड स्कोर. अब 8 बैंड स्कोर से डायरेक्टली 6.5 बैंड स्कोर अगर आईटीपी वाले दे रहे हैं तो ये क्या शो करता है? अगर ब्रिटिश काउंसिल के जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनको या तो असेसमेंट नहीं करनी आती, क्योंकि 0.5 बैंड स्कोर का फ़र्क पड़ना तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है. 8 बैंड स्कोर करना इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी टू स्कोर 8 बैंड इन आइल्स स्पीकिंग. बिकॉज स्पीकिंग में दे चेक अ नंबर ऑफ थिंग्स. शी इज़ एक्चुअली अ गुड स्टूडेंट, शी इज़ अ गुड इंग्लिश स्पीकर, शी कैन ईजिली गेट 7.5 बैंड स्कोर इन आइल्स स्पीकिंग बिकॉज ऑफ हर स्पीकिंग, आई नो दैट. बट वहाँ पे एक बंदी को मिल रहे हैं 8 बैंड स्कोर और यहाँ पे आप दे रहे हो 6.5 बैंड स्कोर, इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों? क्या जो बीसी के ब्रिटिश काउंसिल के एग्ज़ामिनर थे उन्होंने कोई फ़र्क रखा था? वो फेवरिज्म कर गए थे, 8 बैंड स्कोर ज़्यादा दे गए, आप 6.5 दे रहे हो, इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों? मेरे अकॉर्डिंगली इसको जो है इसकी स्पीकिंग के 7.5 या 7 बैंड स्कोर एटलीस्ट मिलने ही चाहिए थे. जीटी की स्टूडेंट है, 8777 रिक्वायरमेंट होते हैं, सब में कंप्लीट होगी, स्पीकिंग में रहेगी. इसके एग्जामिनर भी जब इसको इसका पेपर हुआ था, टेस्ट हुआ था स्पीकिंग का, वापस आई, इसने बताया कि एग्जामिनर पता नहीं क्यों इरिटेटेड बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी बोलने लगती इसको रोक के अगला क्वेश्चन पूछ देती. 45 to 50 सेकंड्स का ना क्यू कार्ड इसका सुना. तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको किसी एक मॉड्यूल में या आप रिज़ल्ट से ज़्यादा हैप्पी नहीं हो या आपका रिज़ल्ट रिपीट हो गया है, तो आप प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.